नमस्कार स्टूडेंट्स, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आठवीं कक्षा के इतिहास के पांचवें चैप्टर, जिसका नाम है शिल्प और उद्योग। तो शिल्प और उद्योग का हम अध्ययन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये चैप्टर जो है आपके JCERT पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 57 से लेकर 74 तक में उपलब्ध है। तो स्टूडेंट्स, आप सब भी अपना पाठ्यपुस्तक खोल लें। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग अपना पाठ्यपुस्तक खोलिए और पेज नंबर 57 पे फोकस कीजिए। और इस पाठ की शुरुआत करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में जो मूल चीज़ें हैं वो ये हैं कि भारत में एक समय जो कुटीर उद्योग था वह किस तरह से मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री में आज बदल गया। आज हम देखते हैं कि भारत के हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी उद्योग हो, आयरन स्टील हो या कि टेक्सटाइल हो या कि मोटर प्रोडक्शन हो या कोई भी चीज़ हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो हम विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने पिछले 200 वर्षों के बीच कुछ खोया भी है। खास करके हमारे गांव के जो कुटीर उद्योग, जो कि एक वक्त ऐसा था कि विश्व में हमारी धाक थी, हमारे देश में तैयार होने वाला जो कपड़ा था वो सारे विश्व में बिकता था और उसकी मांग थी। तो परिस्थितियां कैसे बदली और इन परिस्थितियों को बदलने में कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें, हम लोगों को यही सब चीज़ इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कुछ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पेज नंबर 57 पे फोकस करते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आप देखिए, वहाँ पे भारत के एक पश्चिमी राज्य गुजरात का जिक्र है और गुजरात के जिक्र के संदर्भ में ये कहा गया है कि वहाँ पे एक सूरत नाम का बंदरगाह था। स्टूडेंट्स, सूरत आज भी है और उस सूरत को हम लोग डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, 14वीं-15वीं शताब्दी से ही जो सूरत है भारत का एक पोर्ट था, एक बंदरगाह था। तो बाद में भले परिस्थितियां बदल गई, आज यदि हम लोग देखेंगे तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर बड़े बंदरगाहों में सूरत का नाम अब नहीं आता है, है ना। लेकिन बावजूद उसके सूरत जो है लगभग 100 से भी अधिक वर्षों तक भारत का एक महत्वपूर्ण पोर्ट रहा, जहाँ से कि सामानों की आवाजाही होती थी। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें दो तीन नाम और आ रहे हैं, जैसे डच लोगों का नाम आ रहा है और ब्रिटिश लोगों का नाम आ रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कि डच और ब्रिटिश के आने के पहले पुर्तगाली भारत में आ चुके थे और उन लोगों ने भी सूरत में अपनी कॉलोनियां बसा ली थी, ठीक है। तो बाद में ये जो डच लोग हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं, अच्छा स्टूडेंट्स पहले ये जान लीजिए डच किसको बोलते हैं। यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसको हम लोग हॉलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉलैंड, ठीक है। हॉलैंड का एक दूसरा नाम भी है जिसको नीदरलैंड बोलते हैं। तो नीदरलैंड के जो वासी हैं उसको डच बोला जाता है, जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियन बोला जाता है
चीन में रहने वालों को चाइनीज बोला जाता है, उसी तरह से हॉलैंड वालों को डच बोलते हैं, और ब्रिटेन या इंग्लैंड में रहने वाले को ब्रिटिश बोलते हैं, ये तो जानती हैं स्टूडेंट्स आप। स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने एक भारत का नक्शा बना हुआ है, ठीक है, और इसके पश्चिमी किनारे पर देखिए जो आज का जो गुजरात राज्य है वो आपको दिखाई देगा, और स्काई कलर में एक नदी आपको दिखाई देगी जो पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, नाम है उसका ताप्ती नदी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी ताप्ती नदी के मुहाने पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है सूरत। तो यूं कहिए कि सूरत शहर जो है या तो अरब सागर में है या इसको आप हिंद महासागर भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने एक और शहर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, मासुलीपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश के तट पे है जिसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। देखिए जिस वक्त सूरत भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में शामिल था उसी वक्त मासुलीपट्टनम या मछलीपट्टनम का भी नेम और फेम था, वो भी एक बड़े बंदरगाहों में गिना जाता था, लेकिन आज सच पूछिए तो मछलीपट्टनम या मासुलीपट्टनम उतना बड़ा बंदरगाह नहीं रहा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सूरत के बारे में थोड़ा और डिटेल्स जानते हैं। सूरत कहाँ पे है? सूरत गुजरात में है, ठीक है, और सूरत जो है वो ताप्ती नदी के मुहाने पर बसा है, और उसको हम लोग या तो डायमंड सिटी बोलते हैं या तो टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। तो आगे देखिए, अंग्रेज और डच दोनों ने 18वीं सदी में इस पर नियंत्रण का दावा किया, लेकिन सन 1800 में यह अंग्रेजों के हाथ आ गया। इस शहर की जनसंख्या आज 45 लाख से भी ऊपर है स्टूडेंट्स, ये कोई सामान्य बात नहीं है। भारत के बड़े नगरों में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास यानी कि चेन्नई और दिल्ली और बेंगलोर के बाद सूरत का भी नाम आता है, ठीक है। और देखिए मासुलीपट्टनम जो है ये एक बंदरगाह है, छोटे रूप में आज भी है। ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है, यह 14वीं सदी से अस्तित्व में है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि स्थान जो हैं वो कई बार अपना इम्पोर्टेंस खो देते हैं, ठीक है। जैसे सन 1912 के पहले स्टूडेंट्स भारत की राजधानी कहाँ थी? भारत की राजधानी कलकत्ता थी, ना कि दिल्ली। सन 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के ज़माने में जो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था, ठीक है, और उस समय दिल्ली दरबार और कोरोनेशन ये सब आप स्टूडेंट्स पढ़ेंगे आगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 17वीं सदी में, देखिए 17वीं सदी की हम बात क्यों कर रहे हैं, 17वीं सदी तक जो सूरत है वो भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में शामिल था। तो 17वीं सदी का मतलब होता है स्टूडेंट 1601 से लेकर के 1700 तक का जो मतलब 100 ईयर का जो एक टाइम फ्रेम है उसको हम लोग बोलेंगे एक सेंचुरी, एक शताब्दी, है ना। तो 1601 से लेकर 1700 तक को कहेंगे 17वीं सदी, और 18वीं सदी उसी के अनुकूल सोच लीजिए स्टूडेंट 1701 से लेकर 1800 तक का समय, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए 2021 चल रहा है ना, तो इसको हम लोग 21वीं सदी कहेंगे स्टूडेंट, 20वीं सदी नहीं कहिएगा, है ना, क्योंकि 20वीं सदी समाप्त हो चुकी है। कब समाप्त हुई? 1901 से लेकर के सन 2000 तक वो थी 20वीं सदी, है ना, और 2001 से लेकर के अब 2100 तक का जो समय होगा, है ना, इसको हम लोग कहेंगे 21वीं सदी। स्टूडेंट्स बंदरगाह को हिंदी में हम लोग पत्तन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पोर्ट कहते हैं। और स्टूडेंट्स इस चैप्टर में मूल रूप से हम लोग को ये जानना है कि हम लोग कुटीर उद्योग से कैसे हम लोग जो है भीमकाय उद्योगों तक पहुँचे,
हमारे देश में कैसे परिवर्तन आया, दुनिया के दूसरे देशों में कैसे परिवर्तन आया, किस देश में औद्योगिक क्रांति आई, सबसे पहले कहाँ पर उद्योगों में मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो ये सारी बातें हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट्स एक शब्द आ रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है स्टूडेंट्स, इसका संबंध जो है वो सच पूछिए तो यूरोप के विभिन्न देशों से है, और वो भी खास करके इंग्लैंड से है। तो इंग्लैंड के वस्त्र उद्योगों में पहले पहले जो फर्स्ट टाइम जो मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन शुरू हुआ था, और मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन होने से वो जो तकनीकी क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में जो एक महान परिवर्तन आया था, उस परिवर्तन को ही हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए औद्योगिक क्रांति को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अंग्रेजी में। औद्योगिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? उद्योग तो आप लोग समझते हैं, उद्योग माने इंडस्ट्री। ठीक है, उसी तरह से औद्योगिक माने हो गया इंडस्ट्रियल, माने उद्योग से संबंधित। और क्रांति का मतलब होता है स्टूडेंट्स परिवर्तन, या इसको हम कह सकते हैं चेंज। तो उद्योगों में जो परिवर्तन आया, तो स्टूडेंट्स जो उद्योगों में जो परिवर्तन आया, चाहे वो परिवर्तन यूरोप में ही क्यों ना आया, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे करके दुनिया के सभी देशों तक गया, और भारत में भी वो प्रभाव जो है वो आया। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक यूरोपीय देशों में तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में मशीनीकरण का सिलसिला शुरू हुआ। स्टूडेंट्स कई बार स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि उत्तरार्ध माने क्या और पूर्वार्ध माने क्या, है ना? सबसे पहले आप पूर्वार्ध समझ जाइए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह से शाम तक का जो समय है, सुबह से शाम तक का, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का समय को लीजिए, तो सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे, मतलब दोपहर 12 बजे तक का जो समय होगा, सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक का समय होगा, उसको हम लोग दिन का पूर्वार्ध बोलते हैं। पूर्व जोड़ अर्ध, माने कि पहले वाला आधा, उसको हम लोग कहेंगे पूर्वार्ध। ठीक है, और उसके बाद दिन के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक का जो समय होगा स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहेंगे उत्तरार्ध। आप कहेंगे कि सर हिंदी पढ़ाने लगे, लेकिन बच्चों देखिए थोड़ा सा इतिहास में भी कुछ कुछ ऐसे टर्म आ जाते हैं ना जो कठिन लगते हैं, तो फिर आपको वो इतिहास भारी लगने लगेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इतिहास आप लोग को भारी लगे, आप लोग को थोड़ा आसान लगना चाहिए। तो चलिए उसी तरह से 100 साल का जो समय है ना, उसको भी हम लोग चलिए उत्तरार्ध और पूर्वार्ध में बांटते हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए सन 2001 से लेकर के 2100 तक का जो समय होगा, तो 2001 से लेकर 2050 तक का जो समय होगा स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलेंगे सदी का पूर्वार्ध। सदी का पूर्वार्ध माने 21वीं सदी का आधा, माने 50 साल। ठीक है, और उसके बाद में 2051 से लेकर के 2100 तक का जो समय होगा स्टूडेंट्स, उसको बोलेंगे 21वीं सदी का उत्तरार्ध। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे ज़्यादा देर आपको हम नहीं रोकेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण से शुरू हुआ। हाँ, ये सही बात है। और स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने देखिए यूरोप का नक्शा है, इस यूरोप के नक्शे में आप विभिन्न देशों को देख सकते हैं, लेकिन विशेष करके मैंने फोकस किया हुआ है ग्रेट ब्रिटेन, जिसको ब्रिटेन या इंग्लैंड बोलते हैं, और दूसरा नीदरलैंड। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस औद्योगिक क्रांति में फ्रांस भी शामिल था, जर्मनी भी शामिल था, बेल्जियम भी शामिल था, इटली स्पेन भी शामिल था स्टूडेंट्स, और पुर्तगाल भी शामिल था। बावजूद उसके हम लोग कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो ब्रिटेन में हुई। और स्टूडेंट्स जैसे आज देखते हैं ना कि दुनिया में कोई भी सामान बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान कहाँ बन रहा है, चीन में बन रहा है ना? तो उसी तरह से माने फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता था एक समय ब्रिटेन को, आज तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया चाइना, है ना?
तो चलिए ये नक्शा आप लोग समझे होंगे निश्चित रूप से। अब आगे बढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आविष्कार। स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि क्या मतलब कुछ ही दिनों में हो गया इतना सारा आविष्कार? नहीं, कुछ दिन में तो नहीं हुआ स्टूडेंट, थोड़ा टाइम लगा आविष्कार होने में, है ना। तो स्टूडेंट देखिए औद्योगिक क्रांति में बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ, बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कुटीर उद्योग कैसे नष्ट हुए वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग जो है इस चैप्टर को यहीं पे रोकते हैं, ये वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। ठीक है स्टूडेंट्स।